तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ एडवांस एक्सेल की हमारी नई कोर्स स्टार्ट हो रही है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दिग्विजय जी, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेल का यूज क्यों होता है, एक्सेल का यूज होता क्यों। तो बेसिकली एक्सेल का जो यूज होता है वो दो तीन तरीके के लिए होता है। पहले हम बात करते हैं डेटा स्टोरेज। हम एक्सेल का यूज डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये डेटाबेस नहीं है, क्योंकि एक्सेल बहुत सारे डेटाबेसेस के जो नियम है, जो पैरामीटर्स है, उसमें फिट नहीं बैठता। जैसे सिक्योरिटी, इसके पासवर्ड भूल जाएंगे तो रिकवर नहीं होगा। दूसरा, इसके अंदर इसकी फाइल जल्दी करप्ट हो जाती है, इसकी सिक्योरिटी भी इजिली तोड़ा जा सकता है। इसके एक साइज लिमिट है, एक बड़ी साइज डालने के बाद एक करप्ट होने के चांसेस होता है, फाइल को इजिली कोई डिलीट कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये एक्सेल डेटाबेस नहीं, राइट? लेकिन हम इसमें तो डेटाबेस नहीं, तो किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं? इसमें स्टोर कर सकते हैं मिसलेनियस डेटा, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके हिसाब किताब रखना, जैसे कि पेटी कैश हो गया। आप एक अकाउंट टीम में है तो पेरोल डेटा यूज करते हैं, आपका ऑफिस में अगर पेरोल सॉफ्टवेयर के लिए आप यूज करते हैं तो अटेंडेंस का डेटा यूज कर आप स्टोर करेंगे एक्सेल के ऊपर। यस सर, ट्रैकर्स मेंटेन करना, राइट। हाँ, तो उसके बाद होता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज, जो हम जैसे छोटे लोग हैं जिनके पास डेटा के अमाउंट बहुत कम होता है और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग एक्सेल को ही डेटाबेस बना के चलते हैं। तीसरा आता है एनालिटिक्स डेटा। जैसे आप कंपनी में काम करेंगे तो अगर आपको बोला गया कि भाई आप मुझे मंथली सेल्स बना के दो, मंथली सेल्स ट्रैकर या रिपोर्ट या समरी या कंपेयरिंग रिपोर्ट बना के दो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने सॉफ्टवेयर जहां जो भी आपका डेटा स्टोर डेटा बेसिस है वहां से पहले आप सेल्स का डेटा डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके एक्सेल पर रखेंगे, फिर उस डेटा से आप रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है? तो एनालिस्ट डेटा को स्टोर करते हैं। दूसरा आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए एक्सेल बहुत ही परफेक्ट, कैलकुलेशन के लिए एक्सेल बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि किसी भी तरह की कैलकुलेशन यहां की जा सकती है। किसी भी तरह की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन यहाँ पे की जा सकती है। जैसे अगर हम बात करें आपके पास कि 20 है, यहाँ पे 30 है, मुझे इसको प्लस करना है, तो मैं इजिली एक सेल को दूसरे सेल से प्लस कर सकते हैं। अब बोले सर, ये माइनर है चीज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर आप अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि ऑरिकल हो गया, एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया, एक्सेस हो गया, वहां फिल टू फिल की कैलकुलेशन होती है, एक पर्टिकुलर सेल को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि तो वहां एक फील्ड की आईडी होती है, ना कि एक सेल का एड्रेस होता है। जैसे एक्सेल में B2 एड्रेस है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सेल बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद डेटा एनालिसिस या डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो आप इसमें अपने डेटा को एनालिसिस करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से, डायनेमिक रिपोर्ट वगैरह बना सकते हैं, डायनेमिक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज है चौथा, वो है डेटा शेयरिंग। देखिए, जो हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो रिपोर्ट तो पावर बीआई ही बना देता है और वो भी बड़ी आसानी से कम समय में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपके पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। अगर आपके पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप रिपोर्ट को पीडीएफ फॉर्म में या किसी और फॉर्म में देख पाएंगे। मतलब कि अगर आपने किसी को पावर बीआई का रिपोर्ट भेज दिया तो आपके रिपोर्ट को देखने के लिए सबसे पहले वो पावर बीआई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा। ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आपके एक रिपोर्ट देखने के लिए कोई 300 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, राइट सर। ठीक है? अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये हो गई हमारी। अब इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है कि शेयरिंग क्यों है। तो एक्सेल शेयरिंग के लिए काफी परफेक्ट। मान लीजिए कि एक्सेल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हर किसी के पास तो होंगे ही होंगे, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास एक्सेल के लिए सॉफ्टवेयर ना हो, एक्सेल का सॉफ्टवेयर ना हो। अगर मान लीजिए नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट जैसे कि ओपन आरजी, जैसे कि सैमफनी होगा। अगर वो भी नहीं है तो वो गूगल सीट पे ही जाके देख सकता है, ठीक है सर? राइट सर, तो आपका रिपोर्ट तो देख ही लेगा स्प्रेडशीट में।
अब एक्सेल की बात करें तो एक्सेल जस्ट स्प्रेडशीट है, ठीक है। इसको कह सकते हैं डिजिटल रजिस्टर। पुराने जमाने में जब हमारे पास एक ये नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो हम डिजिटल रजिस्टर का इस्तेमाल करते थे। रजिस्टर का इस्तेमाल करते थे तो उसी रजिस्टर को हमने यहाँ पे डिजिटलाइज कर दिया है, डिजिटल रजिस्टर क्रिएट कर दिया। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर डेटा सिलेक्शन की। डेटा सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ नहीं करेंगे। सो डेटा सिलेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपके सामने एक छोटा सा डेटा है, अब मैं इसको सिलेक्ट करने के तरीके समझाता हूँ। क्योंकि मान लीजिए आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, पिवट लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो नीड टू सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके सर? यस सर। तो कंट्रोल ए करते हैं तो डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है, जनरली सी बात है। बट कंट्रोल ए आता कहां से है? तो फाइनल सिलेक्ट के गो टू स्पेशल में करेंट रीजन। तो करेंट रीजन से आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि इसमें करेंट रीजन में प्रॉब्लम क्या होती है। तो माउस से सिलेक्शन कर सकते हैं आप, प्रॉब्लम होगी तो। तो माउस से सिलेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, क्लिक करते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। एक तरीका और भी है, स्टार्टिंग में क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें, लास्ट में क्लिक करें, या लास्ट में क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और स्टार्टिंग में क्लिक करें, डेटा सिलेक्ट हो जाता है। पर कंट्रोल ए मतलब करेंट रीजन में प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपके पास कोई ब्लैंक रो होगा वहां पे प्रॉब्लम होगा। अब यहां पे मैं कंट्रोल ए करूंगा तो सिर्फ ऊपर के एरिया ही सिलेक्ट होगा, नीचे का नहीं। हाँ, पूरी तरह ब्लैंक हुआ तो बीच में कहीं भी एक जगह पे टाइप है, एक दो सेल्स है तो पूरा ले लेगा। सेम उसी तरह से अगर आपके पास कॉलम ब्लैंक है तो भी यही सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके लिए आप कर्सर मूव कर सकते, कर कंट्रोल का ऑप्शन ले सकते हैं, कंट्रोल राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो, सिस्टम वो ले सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ आइए, आ जाएगा सिलेक्शन, ठीक है सर? राइट। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक एंड कीवर्ड का एंड बटन है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड करेंगे तो यहाँ देखिए एंड मोड आ गया, एंटर प्रेस कीजिए, कर्सर यहाँ आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एंड क्या, जैसे मैंने यहाँ पे तीन एक्स्ट्रा लिख दिए तो अब जो यहाँ एंड होगा, यहाँ पे अगर कर्सर रखता हूँ और एंड बटन पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ आएगा। मैं भले इसको डिलीट कर दूं फिर भी आपका अब एंड जो है हमेशा यहीं पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये यूज्ड सेल को रिकॉग्नाइज करता है, भले आपने डेटा डिलीट कर दिया हो बट यूज सेल को ही लेकर चलता है। ऐसे कंट्रोल के साथ एंड करेंगे तो कर्सर लास्ट में आएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे तो सिलेक्ट करते हुए आएगा, सेम कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे तो डेटा को पूरी की पूरी सिलेक्ट कर देगा। पेज डाउन पेज आप तो पता ही है, अगर कंट्रोल के साथ करते हैं तो अलग अलग सीट पे जाएगा। yes, मल्टीपल सेल सिलेक्शन के लिए आप कंट्रोल को होल्ड रखें और जहां क्लिक करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करें, क्लिक करते ही आपको जो जो एरिया सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, बट इसमें आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपको कॉपी करना है तो एक सीक्वेंस में सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने कंट्रोल सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए अब इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है? यस यस। तो मतलब कि जैसे कि मैंने ए में 1 से 3 किया है तो सी में भी हमको 1 से 3 करना होगा, अगर डी में लेना है, ई में लेना है तो वहां भी 1 से 3 ही लेना है, देन मैं इसको कॉपी कर पाऊंगा, अदरवाइज कॉपी नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी चीज है कि आपने अलग अलग सिलेक्ट किए हो तो कॉपी करके जब पेस्ट करोगे तो इकट्ठा पेस्ट होगा, अलग अलग पेस्ट नहीं होगा। okay. अब इसमें अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा कि सीट पे भी आप डिफरेंट डिफरेंट शीट को भी इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि मेरे पास एक शीट है और सारे शीट पे मुझे डेट लिखना है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, डेट टाइप करके फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, राइट? तो शिफ्ट को होल्ड रखिए और सबसे लास्ट वाले शीट पे, फर्स्ट शीट पे जाइए, शिफ्ट को होल्ड कीजिए और लास्ट वाले शीट पे क्लिक कर दीजिए, ये सारा शीट सिलेक्ट हो जाएगा और ऊपर आपका देखिए ग्रुप आ जाता है। अब मैं यहाँ पे डेट टाइप करता हूं तो अब हर सीट के A3 और B3 में आपका डेट होगा, लेकिन सेम लोकेशन में एवरी सीट है।
सॉरी, आपने क्या बोला था? शिफ्ट करके आप पहले सीट पे जाए, शिफ्ट को होल्ड करें, ओके सर, लास्ट वाली सीट पे क्लिक करें, ओके, सारा सीट सिलेक्टेड मोड में आ जाएगा, ऊपर ग्रुप लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं जो भी काम करूंगा वो हर एक सीट पे होगा, ओके। इवन सर हम कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो भी, हाँ, अगर कोई अगर कोई मैं पिक्चर पेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी एक्शन होगा तो हर एक सीट पे होगा, हर एक सीट में, ओके। और सारे एक्शन नहीं होगा, जैसे देखिए पेस्ट का ऑप्शन है तो कॉपी पेस्ट होगा, पेस्ट स्पेशल नहीं होगा, पहली बात ये, पेस्ट स्पेशल भी हो सकता है, पेस्ट स्पेशल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं होगा आपका, फॉर्मेट टेबल नहीं होगा, शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत सारे ऑप्शन जो है ये जो है नहीं लगा सकते, ऑटोमेटिक और डिसेबल हो जाएगा, जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं आप, ओके ओके सर। अब इसमें भी बात आती है कि मुझे कुछ सिलेक्टेड सीट पे जाना है तो कंट्रोल को होल्ड रखिए और जिस सीट को चाहिए उस सीट पे अपने सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने अभी तीन सीट सिलेक्ट किया है, अब मैं यहाँ पे टाइम लिखूंगा तो उसी पर्टिकुलर तीन सीट पे शो करेगा, बाकी सीट पे हमारा टाइम शो नहीं करेगा, ओके। अच्छा, ये हो गए हमारी सिलेक्शन मेथड। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस। देखिए कैलकुलेशन में भी कैलकुलेशन नहीं, फॉर्मूला, सबसे पहले बात जान लेते हैं फॉर्मूला के सिस्टम को। देखिए मान लीजिए नंबर हमने लिखा हुआ है और मुझे हर नंबर, मान लीजिए हर में अगर 20 ऐड करना है तो हम इक्वल प्रेस करेंगे, A1 को सिलेक्ट करेंगे, मैनुअल लिख भी सकते हैं, प्लस 20 एंटर प्रेस करेंगे, अब मुझे नीचे तक चाहिए तो इसको ड्रैग कर देंगे, जनरली तो जानते ही आप। यस सर। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखिए जैसे हमने A1 सेलेक्ट किया था, नीचे ड्रैग किया तो A1 A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, एक अच्छी चीज है, ये तो आपको हर एक सेल में मैनुअली लगाना पड़ता ना सर, जैसा, बट यहाँ पे मैनुअली लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें अगला ऑप्शन, अगली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बात कर लेते हैं कि इसी चीज को मैं यहाँ पे रख दिया, D20 कर दिया, ठीक है, तो मुझे अब जो है A1 पे D1 का वैल्यू ऐड करना है, प्लस कर दिया, अब नीचे की तरफ मैं ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि जो A1 A2 हुआ D1 D2 भी हो गया। अब A1 को A2 होना था, ये मुझे रिक्वायरमेंट है, पर D1 को D2 नहीं होना, ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्या, राइट तो हम इसको अब्सोल्यूट कर देंगे डॉलर साइन से या फ्रीज कर देंगे। तो हमने रो नंबर के आगे डॉलर लगा दिया तो अब रो फिक्स हो गया, अब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हर एक सेल पे आप देखेंगे D1 ही रहेगा, समझ गए सर, अच्छा, ये हमारा D1 ही, हर एक सेल पे हमारा D1 ही, अब इसमें आगे बढ़ते कि अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूं तो आप देखेंगे कि डी अब ई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने जो डॉलर की साइन लगाया वो रो से पहले लगाया ना, हर एड्रेस में रो एंड कॉलन होता है तो मुझे कॉलन को भी फ्रीज करना होगा, तब मैं अगर लेफ्ट टू राइट ड्रैग करता हूं तो मेरा डी फिक्स होगा। तो डॉलर कंसेप्ट समझ में आ गया सर, यस सर। अब कैलकुलेशन की हम बात करते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर मुझे कोई चीज कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन जैसे 20 होगा यहाँ पे 30 हो गया, मुझे इसको जोड़ना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, पहला है सम का, कि मैं सम का फॉर्मूला लगा के इसको ड्रैग कर सकता हूँ, मैं जोड़ सकता हूँ, दूसरा है मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो इस सम के जो फॉर्मूले हैं इनबिल्ड फॉर्मूले हैं और ये लिमिटेड है, फॉर्मूला बारे में देखेंगे, ये फॉर्मूला है लिमिटेड, वैसे जरूरी नहीं कि आपके हर रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्मूला अवेलेबल हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो आपके जो ऑपरेटर्स है उसका यूज आप फ्रीडम की तरह कर सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं, ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो ये आपका पावर है, ठीक है, मतलब कि 10 का स्क्वायर निकालना है तो 10 और एक सिंबल दे दीजिए 2 दीजिएगा 10 स्क्वायर निकल जाएगा, राइट सर। सर ये आपने ये जो साइन है ये सिंबल कहाँ से निकाला आपने? शिफ्ट के साथ 6 दबाइए ना आ जाएगा, परसेंटेज के बगल में एंड परसेंट से पहले। ओह यस 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 सॉरी,
अब जैसे मान लीजिए क्वार्टर वन का सेल है और क्वार्टर टू का सेल है, क्वार्टर वन में हमने 50 किया, क्वार्टर टू में 55 किया, तो कितना परसेंट हमने ग्रोथ किया था। ग्रोथ परसेंटेज निकालने के लिए हो सकता है फॉर्मूला हो, लेकिन मैं अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करना चाहता हूँ। तो मेरा मैथमेटिक्स कहता है कि ग्रोथ रेट इक्वल टू लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट, ठीक है। अब इसी चीज को कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले हमें दोनों को माइनस करना है फिर डिवाइड करना है ना, तो इसलिए आपको बोर्ड मास मेथड मतलब कि ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा। लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ये आ गया ग्रोथ रेट आपका, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए ये परसेंट हो जाएगा आपका, हो गया। ये ग्रोथ रेट आ गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, अगर मान लीजिए मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है, तो 50,000 हमारे पास है, रेट आपका मान लीजिए 20% का है, 20% बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5% और 3 सालों का है, तो क्या अमाउंट होगा। हालांकि इसके लिए हमारे पास एफडी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, लेकिन मैं अपना मैथमेटिक्स यूज करना चाहता हूँ, हो सकता है उसकी कैलकुलेशन में मुझे ट्रस्ट ना हो क्या। तो मैथमेटिक कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। एन क्या है, एन इक्वल टू 12 है, मतलब कि मंथली है आपका कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम आती है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे कैसे, तो इसको हम पार्ट में करेंगे, ठीक है। पहले हम एक कैलकुलेशन करते हैं, वन प्लस आर डिवाइड बाई बाई एन, तो वन प्लस अब आर डिवाइड बाई एन को ब्रैकेट में लेना होगा, ठीक है, आर डिवाइड बाई 12, एक कैलकुलेशन हो गई। फिर ये ऊपर आता है टी मल्टीप्लाई बाई एन मतलब टाइम मल्टीप्लाई बाई एन, तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, आ गया 36। अब इन दोनों का पावर है तो हमने इसको लिया और पावर इसको कर दिया, ये आ गया पावर। फिर हम इन दोनों इसको और पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट आ गया 58,073। अब प्रॉब्लम है कि ये तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने कई सारे सेल का इस्तेमाल किया, मुझे एक सेल में यहां चाहिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मूला मर्ज। हमने क्या किया, पहले कैलकुलेशन को स्प्लिट कर दिया, अब इसको एक सेल में मर्ज करेंगे। तो जैसे कि आप देखा कि ए जो है इन दोनों से लिंक है, C15 और D15। C15 पे जाते हैं तो इसका फॉर्मूला है, तो इक्वल के बाद इसका फॉर्मूले को क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर तो कॉपी करते हैं, एस्केप को प्रेस करके बाहर आते हैं, और यहाँ C15 के जगह पे ब्रैकेट में C15 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। सेम यहां D15 में आते हैं और D15 का फॉर्मूला D15 की जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो अब इन दोनों को डिलीट करने से कोई हमने कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, और ए आपका E15 है, E15 का फॉर्मूला हमने उठाया और E15 के ऊपर पेस्ट कर दिया, और E15 को यहाँ डिलीट कर दीजिए। अब इसको कॉपी करके मत ले जाइए, कट करके ले जाइए, कॉपी करके ले जाइएगा तो ये जो आपका B10 B11 है ये अपना रेफरेंस को इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तो कट को लेके जाइए, ठीक है, आ गया। तो सर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी हमारे, क्लियर है, क्लियर है सर। अब इसमें हम फाइल मेनू बार में बात करें तो फाइल मेनू बार में यहाँ पे हमारे सामने होम के ऊपर है, यहाँ न्यू ले सकते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट होता है, पिन जो होता है जैसे मान लीजिए जो बार बार फाइल ओपन करते हैं उसको पिन कर देंगे तो पिन लिस्ट में चला जाएगा। न्यू पे आते हैं तो न्यू के अलावा एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे कुछ बनाना हुआ जैसे बैलेंस शीट बनाना है, बिल बनाना है, कैलेंडर बनाना है, आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ पे सर्च कीजिए और टेम्पलेट को डाउनलोड करके यूज कर लीजिए, रेडी टू यूज होता है। ओपन फाइल ओपन करते हैं, इन्फॉर्मेशन फाइल की अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं ताकि अगर पता चलेगा कि फाइल क्या है, क्या सेव और सेव एज तो कोई बड़ी बात नहीं है बताया ही था, लेकिन याद रखिएगा जब भी अगर सेव करते हो अगर फाइल के अंदर में माइक्रो जाए तो उसको माइक्रो अनेबल वर्कबुक पर सेव कीजिएगा,
एक्सेल वर्क में सेव किया तो उसके अंदर कोडिंग है, तो कोडिंग सारा डिलीट हो जाएगा। प्रिंट आपका नॉर्मल प्रिंट है, शेयर शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, पब्लिश, पावर बी आई है आपके पास, पब्लिश कर सकते हैं, पावर बी में डायरेक्ट चला जाएगा डेटा। अकाउंट अपनी ऑफिस 365 आपके यूज किए हैं तो अपने अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, अपना ऑफिस अपडेट वगैरह कर सकते हैं। और ये आपका यहाँ पे फीडबैक है, माइक्रोसॉफ्ट को कुछ फीडबैक देना चाहते हो फीडबैक दे सकते हैं। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल की सेटिंग्स है, जैसे कि आपका डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी है, साइज 14 है, यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं क्या होना चाहिए। आपका ऑथर नेम ये चेंज कर सकते हैं, आपका ऑफिस का थीम अभी क्या है, कलरफुल है, आप चाहो तो ब्लैक करना हो तो ब्लैक करेंगे, पूरा ऑफिस ब्लैक हो जाएगा। ओके okay? या yeah. और ये आपका एप्लीकेशन की सेटिंग है, इसलिए हर जगह पे सेम होगा। बाकी ये सेम सेटिंग है, अब सेटिंग चेंज करने का क्या फायदा, जैसे यहाँ पे सेव पे आते हैं तो आप यहाँ पे अपना डिफॉल्ट सेविंग लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके एडवांस में भी छोटे मोटे चेंजिंग, जैसे कि आप कर्सर प्रेस करते थे आफ्टर जाता है, आप डाउन जाता है ना, एंटर प्रेस करते हैं तो राइट डाउन आप लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ इसको अनचेक कर देंगे तो ड्रैगिंग पॉइंट जो बनता है ना ये वाला ये हट जाएगा, ड्रैग नहीं कर पाएंगे। ऐसे और भी सेटिंग्स है छोटी मोटी, इसमें कस्टम लिस्ट है, आप अपना लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जब संडे को लिख कर ड्रैग करते हो संडे मंडे आ जाता है ना सर, यस सर, जैन को लिख कर ड्रैग करते जैन तक आ जाता है, उसी तरीके से यहाँ आप दिल्ली पूना पुजे हमने अपनी लिस्ट भी बना रखी है, जहां आप ड्रैग करेंगे तो ये लिस्ट आ जाएगी। कस्टमाइज रिबन है हमारा, कस्टमाइज रिबन में अगर कोई रिबन जो डेवलपर टैब आपके सिस्टम पे ना रहा होगा तो आप यहाँ से डेवलपर टैब यहाँ से अनचेक कर देंगे तो आ जाएगा, चेक कर देंगे अनचेक होता है। आप देखेंगे आरसी है तो आरसी मैंने खुद के बना रखे हैं, आप यहाँ से न्यू टैब करके ठीक है ओके okay. चेक कर लीजिए, इसमें कोई खास नहीं है ये। उसके बाद होम पे आते हैं तो आपका कॉपी पेस्ट है, तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो पेस्ट से जो फॉर्मूला करते हैं तो इसकी जो फॉर्मूला है वो पेस्ट होगा, जो फॉर्मूला बारे में विजुअल है वो पेस्ट होगा। वैल्यू करते हैं तो फॉर्मूला को रिमूव करके पेस्ट करेगा, वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में आप यहाँ पे फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट होगा। कमेंट पता है इसे कमेंट क्या होता है, कमेंट्स बॉर्डर में मतलब एक कॉर्नर साइड में आप अगर कुछ एक मेंशन करना, इंफॉर्मेशन जो कर्सर जाता है शो होता है वो पेस्ट करना चाहो कर सकते हैं, ये बॉर्डर नहीं होगा, बाकी सब कुछ पेस्ट होगा, एक कॉलम का विड्थ पेस्ट होगा। ये फॉर्मेट है जो नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यूज इन नंबर फॉर्मेट, ये दो क्या यूज होता है, जैसे कि आपने कहीं से डेटा कॉपी किया है और वो डेट या टाइम है, जब वैल्यू पेस्ट करते हो तो क्या हो जाता है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ये नंबर होता है क्या है, ये नंबर होता है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, कंप्यूटर पे इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब तक का नंबर ऑफ डेज होता है, ठीक है ओके। तो पेस्ट स्पेशल में आप जब कॉलम ये करेंगे ना, फॉर्मूला नंबर फॉर्मेट या वैल्यू नंबर फॉर्मेट, तो आपका जो है डेट फॉर्मेट में आएगा, बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, जैसे बॉर्डर कलर फॉर्मूला वगैरह नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो नंबर फॉर्मेटिंग है जैसे कि डेट का, टाइम का, डॉलर का, ये जो फॉर्मेटिंग है वो सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका नीचे आप देखेंगे तो ये आपकी ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस पे जैसे कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, राइट, 20 को कॉपी करेंगे 30 के ऊपर तो 30 रिप्लेस हो जाता है। पेस्ट स्पेशल में आप जो है इसको अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैलकुलेशन होगा। आप मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर दिया मैंने, 20 और 30 के बीच में कैलकुलेशन होगा और जो 50 है वो सॉरी 600 जो है यहाँ पे पेस्ट हो गया। Okay. इसका यूज भी हम आगे चल के बताएंगे आपको, ठीक okay. है। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ नंबर्स आपके पास है, राइट, आप इस नंबर्स को आपने दिया क्रॉस चेक करने के लिए और इसमें उसने कुछ गड़बड़ देखा तो उन्होंने क्या किया, कुछ चेंज कर दिया। ये नंबर मान लो हजारों में हो सकता है या लाखों में हो सकता है, ये हजार मान लीजिए, लाख तो काफी ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे अपडेट करना है सिम नंबर, तो आप आपके पास दो चार्ज है, एक एक कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, ब्लैंक भी पेस्ट हो जाएगा ना आपका, ब्लैंक वाला तो ठीक है ना, हमें जो फिल हुआ है उसी को अपडेट करना है ना। राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में आप यहाँ पे स्किप ब्लैंक करेंगे तो क्या होगा कि ब्लैंक स्किप करेगा और बाकी को पेस्ट कर देगा, राइट।
बाकी ऑप्शंस देख लीजिए, छोटे मोटे ऑप्शंस हैं, मैंने स्किप कर दिए हैं, आपको अगर हो बताइएगा, अगर जरूरत होगा तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ फॉर्मेटिंग है कि फॉन्ट बॉर्डर बोल्ड इटैलिक, यहाँ पे अपना बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, कलर है बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट कलर है, ये अलाइनमेंट्स है, मर्ज रैप टेक्स है, ये रोटेशन है कि रोटेट कर सकते हैं टेक्स को, ये चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है नंबर फॉर्मेटिंग है वो थोड़ा सा पढ़ने लायक है, तो ये नंबर फॉर्मेटिंग की क्लासेस हम आपको कल कराएंगे। अभी आपने देखा होगा कि आज मैं बहुत सारी चीजें करा दी ना सर, यस सर, ये सब बेसिक चीजें थी, तो मैंने सोचा इस पे टाइम क्यों वेस्ट करना क्या। यस, हाँ, इसमें आपको अब जो आता है नंबर फॉर्मेट में कस्टम फॉर्मेट वो इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो इंपॉर्टेंट है, इन पे हम आपको टाइम अच्छा खासा देंगे। ओके सर। तो अभी तक जो